और अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अलवर पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अलवर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता में किसान बिल पर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाजपा के संगठन को यहाँ पर धन्यवाद। सभी जो सीनियर पदाधिकारी हैं यहाँ इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ आपके सामने विराजमान हैं। इस कोविड के समय आप सब कोविड के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें तो आपकी मेहरबानी होगी। आज का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के लिए हम एक दूसरे के साथ यहाँ बैठे हैं, वो है किसान बिल। और पूरे देश के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी पूरी टीम ने इस किसान बिल की जो फायदे हैं उसके लिए अलग अलग जगह पर वार्ताएं, प्रेस वार्ताएं करी हैं, किसान चौपाल करी हैं, उसी सिलसिले में आज हमारा एक किसान बिल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप सबके सामने। आप अगर पूरे देश के जितने भी सेक्टर हैं उनको आप देखें कि कहां कहां प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, कहां कहां उत्पादन ज्यादा हुआ है, तो आप देखिएगा कि देश के हर सेक्टर के अंदर प्रगति हुई। लेकिन एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जहां पर प्रगति सबसे कम है, और जबकि देश की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। अगर आप देश के जीडीपी को देखें तो कहां पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी है तकरीबन 70% पूरे भारत की, और जीडीपी के अंदर मात्र 16% एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ी कमी है जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही है। कमी इसमें किसानों की नहीं है, कमी इसमें किसानों की मेहनत की नहीं है। तो जब किसान की मेहनत की कमी नहीं है, जब जमीन में कमी नहीं है, तो इसका मतलब कहीं कमी इस ढांचे के अंदर है। इसको समझना बहुत जरूरी है। यह तय कर लीजिए पहले कि कमी है या नहीं, और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि कमी है। अब उसके बाद है कि किसानों की मेहनत में कमी है क्या? नहीं है। क्या जमीन, पानी, आसमान, इसमें कमी है? नहीं है। इसका मतलब कमी कहां है? ढांचे के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। और क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई? क्या इसके ऊपर चिंता नहीं हुई? हुई है, कई बार हुई है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, 2000 से लेकर उससे पहले भी हुई होगी। मैं दो दशक का आपको हिसाब देता हूं। सन 2000 के अंदर कमेटी बनी, शंकरलाल गुरु कमेटी। उस कमेटी के अंदर खूब चर्चाएं हुई, उस कमेटी ने अपने बिंदु दिए। उसके बाद अलग अलग कमेटियां बैठी, फिर 2007 में, 2006 में स्वामीनाथन कमेटी बनी। स्वामीनाथन कमेटी को अब कई बार कोट करा जाता है अखबारों के अंदर अलग अलग जगह। उस कमेटी ने के अंदर उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, उसके बाद और चर्चाएं हुई। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी के अंदर जो रिकमेंडेशन दिए गए, उस समय यूपीए सरकार ने उसको शामिल नहीं करा। उसके बाद लगातार चर्चाएं हुई, चिंतन होता रहा, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करके उनकी कमेटी बनाई, और आज जो किसान बिल है, ये पहली बार किसान को आत्मनिर्भर बनाने का एक कानून लाया जा रहा है। हर प्रोडक्शन, हर सेक्टर आजाद है अपना मार्केट ढूंढने के लिए। मैं पेन बनाता हूं, मैं पैंट बनाता हूं, मैं साइकिल बनाता हूं, मैं मोटरसाइकिल बनाता हूं, मैं किसको बेचूं, ये मेरा अधिकार है।
लेकिन किसान किसको बेचे, किसान का अधिकार नहीं। एक एक चीज आप देख लीजिए जो प्रोडक्शन होती है भारत के अंदर, वो जो बनाने वाला है उसका अधिकार है कि वो कहां बेचे, लेकिन किसान को अधिकार नहीं। किसान को बांधा हुआ है कि आप अपनी मंडी में ही जाकर बेच सकते, और लाइसेंस राज खत्म करने की बात तो आप सब जानते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि 1990 के अंदर जब लिबरलाइजेशन लाई गई पूरे भारत के अंदर, उससे तुरंत भारत की इकोनॉमी ऊपर उठी, क्योंकि एक तरह से लाइसेंस राज खत्म करा जा रहा था। आप सब इससे सहमत हैं कि यहां लाइसेंस राज नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपके माध्यम से मैं प्रश्न करता हूं उन लोगों से जो किसानों को अभी भी भड़काने में और बहकाने में लगे हुए हैं कि मंडियों में तो अभी भी लाइसेंस राज है। किसान का बेटा या किसान की बेटी आज पढ़ी लिखी है और वो कहती है कि पूरे गांव के अंदर इतनी फसल हो रही है, मैं यहीं पर इसकी पैकेजिंग करने लग जाती हूं। किसान का बेटा बोले इतने आलू हो रहे हैं, मैं यहीं पर ही उनकी, एक तरफ से आलू दूसरी तरफ से सोना तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक तरफ से आलू डले तो दूसरी तरफ से चिप्स तो निकल सकता है। तो वो कहे कि मैं यहीं पर ही चिप्स बनाकर पैकेटिंग करनी शुरू कर दूं, अधिकार नहीं है। क्योंकि किसान सिर्फ लाइसेंस वाले लोगों को ही बेच सकता है। पहली बार आत्मनिर्भर कर दिया गया है किसान को, वो पहली बार उसको आजादी मिली है आज की, वो खुद जहां चाहे वहां पर उसको अपने उत्पादन को बेच सकता है। अभी तक क्या होता था, छोटे छोटे किसान, छोटी छोटी जमीन, 80% किसानों की छोटी जमीन है, ये जब मंडी में जाते हैं तो इनमें इतना दम नहीं होता कि अपने उत्पाद को लेकर कई दिनों तक बैठ सकें कि जब तक सही कीमत नहीं दोगे जब तक मैं इसको बेचूंगा नहीं, इतना नहीं होता। हाथ जोड़कर वहां जो मिलता है वो तुरंत वो ले लेता है, यानी कीमत लगाने की किसान के पास समय कितना है, मात्र कुछ घंटे या ज्यादा से ज्यादा एक या दो दिन। लेकिन आज अधिकार दिया गया है किसान को कि बीज लगाने से पहले दाम तय करेगा वो, इतना समय है उसके पास। मैं बीज लगाने जा रहा हूं टमाटर के, मैं पूछूंगा कि कौन कौन टमाटर खरीदना चाहता है, मेरा FPO है 500 किसानों का, पूरे के पूरे 10 पंचायत के अंदर हम टमाटर उगाएंगे, बोलो कितने, हम इतने टन हम तकरीबन उगाएंगे, कौन खरीदना चाहता है, और फिर हम कीमत तय करें। भाई आइए अभी से तय करिए तकरीबन क्या कीमत होगी, चलो कीमत हमें पसंद नहीं आई, हमने बीज उगा दिए लगा दिए और मेरे फसल बड़ी हो रही है, मैं अभी भी तय कर रहा हूं मेरे टमाटर लग रहे हैं, बोलो किसको अच्छी इसके दाम लगाने। कानून के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैसी भी डील हो, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके अंदर जमीन शामिल हो ही नहीं सकती, पहले से लिखा हुआ है। एक एक इसके अंदर एक एक जो चीज है वो किसान के हित में है, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, भारत को मजबूत बनाने के लिए है। जो इतना बड़ा फासला बना हुआ था GDP के अंदर और इतनी बड़ी आबादी जो किसान जो कृषि क्षेत्र में है, उस गैप को कम करने के लिए फिर भी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रही है। मेरी माँ परेशान होकर मेरे को एक दिन बोलती है, उनको समझ नहीं जाता, मुझे बोलती है मोदी जी से जरा बात करो, ये इतना सब कुछ TV पर चल रहा है, मोदी जी को बोलो इतना मान लें कि जिसको पुराना सिस्टम करना है वो पुराना कर ले, जिसको नया सिस्टम करना है नया कर ले। मैंने कहा बिल्कुल, मोदी जी ने ऐसा ही पहले से ही कर रखा है। अब एक माँ को जो जो चिंतित रहती है भारतवर्ष के लिए कि किसान परेशान हो रहा है, इतनी सीधे तरीके से समझा सकती है कि भाई जिसको पुराना सिस्टम करना है वो पुराना कर ले, जिसको पुराना सिस्टम नहीं करना उसको नया सिस्टम फॉलो कर ले। बिल्कुल, मैं आप सब अपने मित्रों से यही कहना चाहता हूं कि यही सिस्टम है, जिसको पुराना सिस्टम फॉलो करना है 100% पुराना सिस्टम फॉलो करें। लेकिन कष्ट यह है कि पुराने सिस्टम से जिनको लाभ हो रहा था वो नए सिस्टम को जब खड़ा हुआ देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये नया सिस्टम किसानों को पता चल जाएगा तो किसान तो जागरूक हो जाएंगे। संजय जी
बता रहे हैं, और कल ये टीवी में भी आया था, मीडिया सोशल मीडिया पे भी चलाया था कि गन्ना किसानों की फसल की कीमत सीधे अब वो विदेश के अंदर भेज सकते हैं और उनकी खाते के अंदर मिलों में नहीं जाएगी, हाँ सीधे उनके खाते में जो सब्सिडी है गन्ना किसानों की वो सीधे उनके खातों में जाएगी, कंपनियों के पास नहीं जाएगी। कोई आप सबका कोई प्रश्न हो, वैसे तो बहुत सारी बातें और हैं लेकिन कोई प्रश्न हो मोटे तौर पर हमने किसान, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, गेहूं के अंदर अभी पिछले एक साल के अंदर, उससे पहले भी MSP बढ़ा दी गई थी लेकिन मात्र पिछले एक साल के अंदर, और एक साल भी नहीं सितंबर में मैं बता रहा हूँ, 50 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के ऊपर MSP बढ़ा दी गई है पिछले कुछ महीने के अंदर अंदर। जौ के अंदर 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है पिछले कुछ महीने के अंदर अंदर। और अगर मैं आपको आंकड़ा दूं कि 2013-14 में क्या MSP थी और 2021 में क्या MSP है, आप आश्चर्यचकित रहेंगे। ये उस सरकार के लिए बोल रहे हैं जिसको बोल रहे हैं कि MSP काल्पनिक रूप से हटा दी जाएगी। मोदी सरकार ने 2013-14 के अंदर जो UPA सरकार थी उस समय गेहूं के MSP थी 1400 रुपये, 1400 रुपये 2013-14 में। 2020 और 21 में 1970 रुपये, कितना फर्क है, 1400 और 1900। जो 2013 और 14 में 1100 रुपये UPA के समय में, और जो आज 2020-21 में 1600 रुपये। तो ये भ्रमित करा जा रहा है, और किस लिए करा जा रहा है, सफलता से मोदी की सरकार बार बार भारत को मजबूत करती जा रही है, कुछ लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। उनको मुद्दा चाहिए हर बार कि कहीं ना कहीं पकड़ लें कोई मुद्दा जिससे भड़काने की कोशिश करें, भ्रमित करने की कोशिश करें। और ये कौन लोग कर रहे हैं, जिन्होंने खुद कुछ समय पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम निजीकरण करेंगे, APMC एक्ट को तब्दील करेंगे। अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको, 4 दिसंबर 2012 मैंने कुछ वीडियो भेजे थे, पता नहीं आपके पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, हाँ इनके पास जरूर आप पहुंचाइएगा। मैंने वीडियो भेजे हैं, इन ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ उसके वीडियो मैंने पहले ही पहुँचाया कि मैंने कहा आप सब तक पहुंच जाए, व्हाट्सएप पे आपके पास पहुंचेंगे। 4 दिसंबर 2012 को कपिल सिब्बल UPA के मंत्री थे, उनका भाषण हो रहा है लोकसभा के अंदर, जहां बहुत जबरदस्त मजबूती से कह रहे हैं कि APC में बदलाव होना चाहिए और कृषि के बाजार के अंदर निजीकरण होना चाहिए। 27 दिसंबर 2013 को राहुल गांधी जी, जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो अजय माकन साहब के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित जितने प्रदेश हैं उसके अंदर फल और सब्जियों को डीलिस्ट कर दिया जाएगा ताकि मंडी में नहीं बाहर खुले में बेच सके, जिसको जहां बेचना हो वहां बेच सके। शुरुआत करी थी उन्होंने उस समय फल और सब्जियों को डीलिस्टिंग करके। अगस्त 2010 और 2011 शरद पवार साहब, जो आज NCP के हैं, UPA में उस समय कृषि मंत्री थे, उन्होंने 2 बार पत्र लिखा अलग अलग मुख्यमंत्रियों को कि APMC एक्ट के अंदर संशोधन करना जरूरी है, निजीकरण होना जरूरी है, प्रतिस्पर्धा होगी तो बेहतर दाम मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो 2019 में जो आया था, पेज नंबर 17 क्रमांक 11, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कांग्रेस APMC को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार के अंदर निजीकरण करके उसकी व्यवस्था मजबूत करेगी। और ये भ्रमित करके किस सरकार के लिए बात कर रहे हैं, एक ऐसी सरकार जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, 2014 में आते ही जो कदम उठाए वो सब कृषि केंद्रित थे। PM फसल बीमा योजना, मैं इसका लक्ष्य बताता हूं, एक कदम पीछे लेकर पहले, प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों के प्रति एक सरल लक्ष्य है, सबसे पहले जो लागत है
उस लागत को कम करना। दूसरा, जो उत्पाद हो, उत्पादन हो, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा आना, बैलेंस करके बेहतर दाम आना। तीसरा, लागत और उत्पाद के बीच में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होना। और चौथा, इस पूरे के पूरे काम में किसान के खेत में और किस तरह से उसकी कमाई में वृद्धि हो सकती है, उसको सोचना और उसको जोड़ना, ताकि दो फसलों के बीच में या एक फसल के जो बोने और कटने के बीच में जो समय है उसमें किसान को ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सके अलग अलग चीजों। ये सरल सा उद्देश्य हो गया, एक दिशा हो गई चलने की, और इसके ऊपर काम हुआ। फसल बीमा योजना लेकर आए, उसके अंदर मात्र 2% प्रीमियम देना किसान को खरीफ के अंदर, और मात्र 1.5% प्रीमियम देना रबी के समय, और बाकी पूरा का पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर बराबर करके देती है। 60 करोड़ किसानों की बीमा पूर्ति हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर। पीएम किसान सम्मान निधि अपने भारत के इतिहास के अंदर पहली बार किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों के पास जा रहे हैं। तकरीबन इसमें 10,60,000 किसानों को लाभ मिल चुका है और तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। किसान मानधन योजना, पहली बार किसानों के लिए योजना लाई गई कि उनको पेंशन मिले, और इस किसान मानधन योजना के अंदर आज की तारीख में 21 लाख किसान शामिल हो चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू करा कि जो टेक्नोलॉजी है उसको लैबोरेटरी तक रखने की जरूरत नहीं है, किताबों तक रखो, लैबोरेटरी तक रखो, उसकी बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन किसान वहीं का वहीं पड़ा हुआ। आज सॉइल हेल्थ कार्ड 21 करोड़ किसानों के पास है। और ज्यादा लंब दूर क्या जाए, हम बात करते हैं यूरिया की। यूपीए सरकार नीम कोटिंग करने में कतराती थी, क्योंकि आप जानते हैं उससे क्या वो उनका क्या मामला रहता था, यूरिया किसान तक नहीं पहुंचता था। प्रधानमंत्री मोदी जी, संजय जी बोल रहे हैं ब्लैक में होता था, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 100% यूरिया के ऊपर नीम कोटिंग कर दी। आज किसान को यूरिया बिना ब्लैक के अंदर मिलता है, क्योंकि उसका कोई गलत उपयोग हो ही नहीं सकता। एक एक कदम, ये है ट्रैक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी का। उसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत करे हैं, एक ऐसी सरकार के प्रति भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार जमीन से जुड़ी हुई है, जिसके कार्यकर्ता मतदाताओं के साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं, जिस सरकार की योजना हमेशा लोगों को के हित को ध्यान में रखकर बनती है, ऐसी सरकार के प्रति भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकी जा रही है। एक सीधा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला, आप बिल्कुल समझेंगे। अगर इस वस्तु का एक ही ग्राहक हो तो कीमत ज्यादा मिलेगी, या इस वस्तु के 10 ग्राहक हो तो कीमत ज्यादा मिलेगी। आप जानते हैं, आज पहली बार किसान को मंडी से आजाद करकर, पहली बार किसान को कहीं बेचने के लिए जाना नहीं है, किसान के पास लोग खरीदने के लिए आएंगे। एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जब मैं बेचने जाता हूं तो जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, जब लोग खरीदने आ जाते हैं तो मेरे कीमत के ऊपर अधिकार बन जाता है कि तय की गई कीमत के ऊपर अगर उस कीमत से मान लो नीचे कीमत जाती है, आप समझ रहे ना मेरी बात, तय की हुई कीमत से अगर बाद में असली कीमत नीचे चली जाती है तो तय की हुई कीमत पर ही किसान को पैसा दिया जाए। और मान लीजिए कि तय की हुई कीमत से कीमत ऊपर चली जाती है तो किसान के पास ये फिर अधिकार है कि वो बैठेगा, बोलेगा अब कीमत ऊपर चलेगी, एक बार फिर तय करते हैं। ये अधिकार आज तक किसान के पास नहीं था।
भ्रमित करा जा रहा है। पहली बार जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पहली बार जो विरोध हो रहा है वो जो बिल है उस पर विरोध नहीं हो रहा है। ये पहली बार है कि जो बिल में लिखा हुआ है उस पर विरोध नहीं हो रहा, विरोध हो रहा है भविष्य में क्या ना हो जाए। मतलब एक इमेजिनेशन जो काल्पनिक चीज कर रहे हैं। एमएसपी हट जाएगी, बार बार कहा प्रधानमंत्री जी ने, कहा अलग अलग मंत्रियों ने कहा कि एमएसपी नहीं हटेगी। मैं आपको, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, आपके माध्यम से हमें जागरूकता करनी है, यही हमारा कारण है कि आज हम बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं एक इसका लॉजिक देता हूं आपको। आज 80 करोड़ आबादी को भारत की सरकार राशन दे रही है, चावल गेहूं 80 करोड़ आबादी को दे रही है। कैसे दे रही है? क्योंकि एमएसपी से खरीदेगी तभी उनके पास ये इतना सारा साधन होगा देने के लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ये एक्ट है और उस एक्ट के तहत भारत की सरकार को खरीदना ही पड़ता है, तो ये नहीं जा सकता। लॉजिक दे रहा हूं मैं। वैसे तो सरकार ने इसको स्पष्ट कर दिया कि नहीं जा रहा, एमएसपी वहीं रहेगी। और ये भारत की मोदी जी की सरकार है जिसको स्वामीनाथन कमेटी, जो अभी हमने चर्चा करी थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो लागत है उससे 50% ऊपर एमएसपी होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसने 1.5 गुना उसको ऊपर कर किसान को एमएसपी दी है। एमएसपी के मेरे पास पूरे आंकड़े हैं जिसके अंदर है कि किस तरह से एमएसपी बढ़ाई गई है। Thank you.